मजा आ गया भाई। चलो भाई चलो चलो, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। भाई टमाटर काट रहा हूँ क्योंकि कढ़ाई बनाना है पहलवान के लिए, महबूब के लिए। भाई महबूब के लिए आज खिदमत करें, वो तो आराम खोर है, उसने हमें गेम में अपने घर बुलाया, बाकी कुछ खिलाया पिलाया नहीं, तो उसी में लगे पड़े हैं। शेर क्या खाता है भाई, शेर क्या खाता है भाई, शेर घास तो नहीं खाता, मुझे पता है वो गोश्त खोर जानवर है। अभी यहाँ पे ये गोश्त थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि गल जाए, फिर उसके बाद हम अपने टमाटर वगैरह इसमें डाल देंगे। ये अभी गलने के मराहिल में, अभी इसके गोश्त बिल्कुल गल गए हैं, अभी अपना इसमें टमाटर डाल दूंगा। मुशक्कतें कर रहे हैं, बस पहलवान को पसंद आ जाए, महबूब भाई को देखते हैं अभी। महबूब भाई खाने में क्या क्या चीजें पसंद है आपको? खाना जो भी हो, अच्छा पकाया हो, दाल हो, सब्जी हो, गोश्त हो, कबाब हो, एवरीवन। मुझे पता है उसको पसंद है गोश्त, तो मैंने कहा कढ़ाई की सूरत में बना दे, वैसे कबाब भी कर सकते थे, उसमें कोई शक नहीं था कि वो खा लेता, या और कोई सालन बना लेते जो गोश्त का मतलब कोई भी बनाते चीज गोश्त का तो वो खा लेता, लेकिन गोश्त के अलावा नहीं खाता। ये तकरीबन मैं समझता हूँ उसके, मैं वालिद साहब को जानता हूँ, मीर अली शेख नाज साहब, वो मेरे काफ़ी अच्छे सलाम दुआ वाले थे, उनसे सलाम दुआ होती थी क्योंकि वो आर्टिस्ट थे, तो मैं जाकर उनके दुकान पर बैठता था, तो सलाम दुआ। इसी तरह 10 साल तक हम इकट्ठे थे, 15 साल तक बैठे, फिर अचानक वो खुद नाज साहब अब चौकी मूव करके आए। इसको देखता था, मुझे यकीन नहीं था कि ये नाज साहब के बैठे हैं, मैं समझा ये नाज साहब के साथ काम करते हैं या वैसे ही आते हैं, तो इस तरह आस्था से ये सिलसिला चला। फिर उसके बाद सलाम दुआ ज़्यादा होता गया, फिर 10 साल ऐसे ही मैं सुनता हूँ हमारे सलाम दुआ। तो महबूब भाई आपके लिए आज एक खास डिश बनी है। खास मेरे लिए? वाह जबरदस्त। अभी मसाले डालेंगे मेरे दोस्तों, अभी भाई 10-15 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इनको गला कर ख़त्म कर दें और तैयार हो जाए कढ़ाई। तो आप तैयार हैं चखने के लिए? भूख लगी है? बिल्कुल भूख लगा है, सुबह से नहीं खाया है, आज मैं उन दोस्तों से लड़ रहा था भाई, आज भूख हटता है क्या, भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आज मंजूर भाई ने मना किया है, कहे आज मेरे को खाना नहीं देंगे, तो मैंने कहा अभी नहीं आऊँगा मैं, फिर सोचा अभी आ जाते हैं, पता नहीं शायद कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल तैयार, बिल्कुल आखिरी मराइल में उतार देंगे अभी इसो, इसे जब भी पिकनिक पर जाते हैं तो मैं ही पकाता हूँ, तो शायद पहचान लें। गोश्त बाकरीन, मच्छी पोपरीन, चावल तहरीन, ये मेरा फेवरेट गोश्त मुर्गी का, वो भी कढ़ाई गोश्त, ज़बरदस्त। इजाज़त है खाने के लिए या नहीं? कहाँ से लाए हो ये, इधर ही बनाए हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर, वाह भाई वाह ज़बरदस्त। नाज़रीन जब तक मैं खाना खा रहा हूँ, आप लोग बेकर बैठे हो, तो वैसे लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर ले। ज़बरदस्त बिल्कुल ज़बरदस्त है, हम बिल्कुल सेम रही चीज़ वहाँ पे, तो जब से आया हूँ कभी अमेरिका का खाना, कभी रूस का, कभी चाइना का, कभी जापान का, कभी अच्छे खाने थे तो कभी, यानी ज़्यादातर ऐसे खाने थे जो
हमारी रिवायत हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ आज हमारा ईद है। ज़बरदस्त, एक कहते हैं ना 100 में से 110% सही बना है, 10% मैं उसको ज़्यादा इजाफे दे रहा हूँ उसकी मेहनत की, इसने मुझे मेहनत किया है। इसीलिए खाना नहीं दे रहे थे। हाँ आप मिलना चाहेंगे इसके खाने पकाने वाले से? जरूर। ओ ये मेरा बच्चा है, आजा मेरे लाल। कैसे हो मेरे दोस्त? ओ साहब साहब आप हो यार। किरी दोस्त, मेरे दोस्त, सुबह से यहाँ पे नीचे झक मार रहा था। अच्छा यहाँ पीछे भाई कैसे लगा भाई? वाह भाई वाह, आज आपने मेरे दिल की हसरत जो थी वो पूरी कर दी। मैंने इसीलिए तुम्हें भूखा रखा सुबह से। अच्छा, भाई तुम भूखे रहो, बैठो। आपने तो मेरा दिल क्या कहते हैं, दिल बाग बाग कर दिया है, यकीन करो। मुझे पता था भाई तुम यहीं पे फंसोगे और कद्दू टमाटर में नहीं फंसोगे। लेकिन वाकई आपने सालन ऐसा बनाया बिल्कुल ये घर की जा रहे, क्या कहते हैं घर का सालन बिल्कुल सेम टू सेम, मजा आ गया भाई। चलो भाई चलो चलो, मेहरबानी मेहरबानी। घर का बंदा बनाया है तो मैं समझता हूँ ज़बरदस्त, घर की चीज़ें घर के अंदर बनी तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसीलिए ये बहुत ही फेवरेट और ज़बरदस्त। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि एक्सेप्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मंजूर भाई आज खाना पकाएंगे, क्योंकि यहाँ एक शेफ़ रखा हुआ है वही खाना लेकर आते हैं, देते हैं, पकाते हैं, तो मुझे ये यकीन नहीं था कि ये बनाएंगे मेरे भाई साहब। आपके लिए मंजू भाई ने पहले कभी खाना बनाया? जी जी, हम पिकनिक में जाते थे तो वहाँ हमारा फेवरेट बहुत चीज़ यही है, यही सब कुछ करते हैं माशाल्लाह। काफ़ी अरसे से आप लोग दोस्त हैं, तो कोई नसीहत है कि एक अच्छी दोस्ती बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है, क्या करते हैं आप? मैं समझता हूँ सबसे दोस्ती को बता क्या कहते हैं आगे चलाना है और लॉन्ग ड्राइव पे दोस्ती को रखना है, तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट चीज़ है एक ईमानदारी, दूसरा बर्दाश्त। दोस्ती में ये होता है कि लाजमन हर किसी एक साइड पे कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, हर साइड से कुर्बानी देनी चाहिए। बुरे वक्त में अगर दोस्त पे काम ना आए तो बंदा किस पर किसकी तरफ हाथ फैलाए, तो मैं समझता हूँ मुसीबत के टाइम अपने दोस्तों के काम आए, वो सोना है उनका ख्याल रखें और उनकी हर मुश्किल वक्त में काम आए, ताकि बुरे वक्त में वो भी आपके काम आ सकें। दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो पेट्रॉन पर आएँ मज़ीद ऐसे मज़ेदार और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।